पब्लिक टीवी आपकी आवाज। इसके बावजूद भी प्रशासन कह रहा है कि नहीं, हमें मन सहमत मिली है, मौखिक सहमत मिली है, मैं इसका सहमत नहीं हूँ। हम मांग करते हैं कि ये तुरंत नोटिफिकेशन कर दिया जाए, यही हमारी मांग है। ऊपर समझ रहे हैं किसानों की क्या विशाल, हम जैसे किसानों को तो यहाँ का बाबू दिन में चार बार भेज देगा। ये जो एमपीए के बाबू है किसानों को दिन में चार बार भेज देंगे, ये इतने शराब और भ्रष्ट एमपीए वाले हैं। आखिर सरकार इनकी जांच क्यों नहीं करती, इनके कारनामों की जांच क्यों नहीं करती है? एमपीए के नाम पर जमीन, इनको फोन करो गुंडों को, एमपीए वालों को तो उल्टी सीधी बातें बताते हैं। ऊपर शिकायत करो तो भी डांटते हैं कि तुमने पानी डालने की शिकायत कैसे करी, तो हमसे कहो आखिर ये कौन है गुंडे, कैसे यहाँ बैठे हैं हमारे जिले में और ये किसकी रक्षा के लिए आए हैं? अलग प्रकरण है, आप कोई भी अंतरण करेंगे उसको आपको रजिस्ट्री कराना है और रजिस्ट्री के स्टाम्प देने उसका, इस कॉलोनी के प्लॉटिंग और नियोजन से उसका अवैध रजिस्ट्री कराने का कोई मतलब नहीं। ये बड़ा स्पष्ट सुन, आपको कोई भी किसी भी प्रकार का विकास कार्य, इवन ईंट लगानी है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए मास्टर प्लान है, महायोजना है, उसका नियम है, नियम के अनुसार नक्शे पास होने, नियम के अनुसार लेआउट पास होने, नियम के अनुसार चीज़ें छोड़ के चीज़ें। ये नहीं है कि एक आदमी आया और उसने उसमें चार चूने खींचे और किसी को प्लॉट खरीद लिया और प्लॉट खरीद के बेच के चल दिया और आप कहो कि साहब ये नहीं होगा। अभी सूचना जैसे आज जारी हो रही है एमडीए कि ये जबरन नहीं लेंगे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मौखिक स्वीकृति है, इसका क्या मतलब है? जब 707,000 से ज्यादा किसान लिखित रूप में इसका विरोध कर चुके हैं और ये कह चुके हैं कि हम किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं देंगे। ये बहुत कीमती जमीन है, बहुफसली है, लाखों लोग यहाँ अपनी जीविका चलाते हैं, तमाम लोगों ने अपने कारोबार के लिए कुछ प्लॉट भी लिए हुए हैं, लेकिन जमीन को हथिया कर लेकर एक पूंजीपतियों को देना, और गुजरात की एक कंपनी है वो यहाँ एक टाउनशिप पैदा करेगी, टाउनशिप बनाएगी और यहाँ के किसान बर्बाद हो जाएंगे, वो माला माल हो जाएगी, जिनके प्लॉट हैं उनको भी आप छीन लेंगे, तो ये कौन सा तरीका है? दूसरी बात, अगर कोई अपनी दुकान बना रहा है, अपना मकान बना रहा है अपनी जमीन में, आप उसे बुलडोजर ले जाकर तोड़ देते हैं, उनका लाखों लाख रुपए का नुकसान होता है। तो हमने ये आज विरोध किया है और हमने अपने संगठन और तमाम यहाँ के लोग, किसान लोग, तमाम वहाँ के प्लॉट वाले लोग जिनकी भूमि है वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम बिना किसानों की मर्जी के वहाँ कुछ नहीं करेंगे, तो ये ज्ञापन दिया है। अगर ये आगे करते हैं तो हम हर गांव में 11 गांव में जाकर कमेटियाँ बनाएंगे, लोगों को संगठित करेंगे और किसान जो है किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं देगा, जो प्लाट धारक हैं वो अपने प्लॉट नहीं देंगे। तो ये आज ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की तरफ से ये आज हमारा कार्यक्रम हुआ है और हम ये आगाह करना चाहते हैं मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को कि वो जमीनों को ना लें, उन्हें बर्बाद ना करें, लोगों के प्लॉट ना छीने और अपनी इस योजना को रद्द करें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।